प्रधानमंत्री जी ने कोविड-19 को लेकर उठाया था वो देश के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता को करते हुए 15,000 करोड़ की घोषणा की थी, जिसमें से 4,113 करोड़ रुपया राज्यों को रिलीज कर दिया गया है, दे दिया गया है। आवश्यक वस्तुओं पर 3,750 करोड़ रुपया दिया गया, खर्च किया गया। टेस्टिंग लैब और किट्स के लिए 550 करोड़ रुपया, और जो हमारे कोविड-19 के वॉरियर्स हैं, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको 50 लाख रुपए का बीमे की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। और यही नहीं, डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाते हुए आईटी का उपयोग करते हुए ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन सर्विसेज का हमने उसकी शुरुआत की, और कैपेसिटी बिल्डिंग की, चाहे वो वर्चुअल लर्निंग मॉड्यूल्स की बात हो, और आरोग्य सेतु ऐप, तो करोड़ों लोगों ने देश भर में इसको डाउनलोड किया, और यूपीआई भीम की तरह एक ये भी बहुत सफल प्रयोग देश में रहा है, जिससे लोगों को लाभ मिल रहा है, और हम ट्रेस कर पा रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर कोरोना से संक्रमित है तो उसका भी आप कर सकते हैं, लोग सेल्फ असेसमेंट भी इसके माध्यम से कर सकते हैं। हमारे हेल्थ वर्कर्स के ऊपर हमला होता था, कोई लड़ाई झगड़े होते थे, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए डॉक्टर हो, नर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, इसके लिए भी हमने एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट में उसमें बदलाव किया। और इसके अलावा जो हम कहते हैं कि संकट में अवसर देखने की बात, तो एक बड़ा उदाहरण यहां पर नजर आता है कि जहां भारत में एक भी पीपीई किट बनाने की कंपनी नहीं थी, आज 300 से ज्यादा यूनिट हैं, 3 लाख से ज्यादा पीपीई किट्स एक दिन में बनाई जाती हैं, और N95 मास्क भी लाखों के संख्या में आज भारत में प्रतिदिन बनाए जाते हैं। ये एक बड़ा बदलाव है। और HCQ टेबलेट्स भी लगभग 11 करोड़ का उसका उत्पादन किया गया, ये अपने आप में उस दिशा में कदम है। इसके अलावा जो हमने कंप्लायंस बर्डन में कमी शुरुआत में की थी, वो भी शुरुआत में एक कदम था, क्योंकि 31 मार्च नजदीक आ रही थी, बहुत सारा दबाव कंपनियों पर रहता है, तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के जो प्रोविजन है उसका युक्तिकरण किया गया, और कंप्लायंस बर्डन को कम करने के लिए इस कोविड-19 के समय बहुत सारे प्रावधान कंपनीज एक्ट 2013 में, उसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि जो बोर्ड मीटिंग्स हैं, ईजीएम्स हैं, एजीएम्स हैं, उनको आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर सकते हैं, आपको व्यक्तिगत रूप से वहां पर उपस्थित नहीं रहना पड़ेगा। और एक बड़ा बात यह कि राइट्स इश्यू जो है, अब उसकी लिस्टिंग भी डिजिटल इंडिया की लीवरेज करते हुए हम इसको ऑनलाइन कर सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कदम है। पीएम केयर्स का जो फंड क्रिएट किया है, उसको भी सीएसआर में उसको हमने रिकॉग्नाइज किया है। जिस तरह से सरफेसी एक्ट और डीआरटी में पहले रिकवरी के प्रयास किए जाते थे, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में 2016 के आने के बाद इसमें दुगने से ज्यादा रिकवरी हुई है। 221 केसों में 44% रिकवरी इसमें हुई है। एडमिटेड क्लेम्स जो है वो लगभग 4,13,000 करोड़ के हैं, और जो वसूली योग्य रकम है वो लगभग 1,84,000 करोड़ है, और जो 13,556 केसेस हैं उसमें लगभग 5,00,000 करोड़ रुपया एडमिशन से पहले ही, जो ऐसी उसकी अमाउंट थी उससे पहले विड्रॉ इतने केसेस को कर लिया गया, ये भी एक बहुत बड़ी बात उस दिशा में है। शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे हो, अब एक मीडिया में भी चर्चा थी, सोशल मीडिया में भी, कि गरीब के बच्चे तक कोविड-19 के समय शिक्षा की व्यवस्था कैसे पहुंचाई जाए, ये चुनौतीपूर्ण समय है, लेकिन हमारे HRD मंत्रालय ने इसको बड़ी जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ लिया, और प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर अगर कुल मिलाकर देखा जाए, जैसे स्वयं प्रभा DTH चैनल पहले चलते थे, आज भी चलते हैं, वो मदद और सहयोग करने के लिए उसके माध्यम से इन लोगों तक पहुंचा जाएगा जहां पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, और इसके लिए 3 चैनल्स को चिन्हित कर लिया गया है शिक्षा प्रदान कराने के लिए, और 12 और नए चैनल्स को इसमें जोड़ दिया जाएगा। यही नहीं, लाइव इंटरैक्टिव सेशंस, इसका टेलीकास्ट भी हो सके, इसका प्रावधान भी एक्सपर्ट्स के माध्यम से किया गया, ताकि स्काइप के माध्यम से आप इसका कर सकें। प्राइवेट DTH ऑपरेटर्स तक भी हम पहुंचे हैं,
ताकि टाटा स्काई, एयरटेल और ऐसे जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं उसके माध्यम से भी हम अपनी पहुंच बढ़ाकर देश के करोड़ों लोगों तक पहुंच सके और शिक्षा को उन तक पहुंचा सके। हमने राज्यों से भी अनुरोध किया है कि आप 4 घंटे का हमें ऐसा कंटेंट एजुकेशन का दें ताकि हम स्वयं प्रभा चैनल पर उनको दिखा सकें। और दीक्षा प्लेटफॉर्म के 66 करोड़ हिट्स अब तक हुए हैं 24 मार्च तक, और 200 नई टेक्स्ट बुक इसमें जोड़ी गई है ई पाठशाला के माध्यम से।